गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लेकर आए हैं शब्द रचना का एक अगला अभ्यास। शब्द आपने सीख लिया है कि वर्णों से मिलकर बनते हैं और उनमें उचित अर्थ का होना आवश्यक है, यानी कि जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं कहलाएंगे। आपने बोला पुस्तक, आपने बोला घर, दरवाजा, सब शब्द हैं। उस जगह मैं बोलूँगी हकामा, हकामा उसका अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, भले चाहे वो वर्णों से मिलकर ही क्यों ना बना हो। उसके अलावा हमने आपको अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना भी सिखाया है, जो आपने किया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए और उनका वर्ण अस्त व्यस्त कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है। जो पजल की तरह आपको शब्द दिए जाते हैं, इंग्लिश में आपसे बोला जाता है जंबल वर्ड्स, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने आपको कुछ शब्द दिए हैं। आपको करना क्या है, उन शब्दों को उचित क्रम में लिखकर शब्द पूरा करना है, यानी कि शब्द है लेकिन उनका क्रम गलत हो गया है इसलिए वो शब्द नहीं है। आप उन्हें शब्द बनाइए उनके क्रमों को पूरा करके। तो चलिए सही क्रम में जमाने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द देखते हैं गा, रेल। तो रेल से हमें समझ आ रहा है कि ये रेल से संबंधित शब्द है, तो सबसे पहले तो हम रेल को बाहर निकालते हैं। रेल, फिर लेते हैं ल, रेल, फिर क्या आ सकता है अगला वर्ड गा, ओड़ी अगर हम जमाते हैं किस प्रकार जा सकता है, रेल गा री। क्या शब्द बन गया, रेल गाड़ी। तो यहाँ सबसे पहले आपने लिखा रे, फिर ल, फिर गा, ओड़ी, रेलगाड़ी, एक शब्द। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ला पा ख श, तो पाठ से हमें समझ आ रहा है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले पा और ख, हमने लिखा पा और ख, पाठ मिला। फिर देखते हैं शा, यहाँ पर हमें मिला शा और यहाँ मिला ला, इन दोनों को भी यहाँ ले आते हैं शा और ला, तो हमारा शब्द क्या बन गया पाठशाला, पाठशाला। अब जाते हैं यहाँ पे हामामेना, तो अब सोचो क्या बन सकता है, अगर हम माँ से शुरू करेंगे तो मेहमान शब्द नहीं बनेगा, फिर आप देखिए अगर मे से शुरू करें तो मेहमान में ह मा न बन सकता है, तो शुरू करते मे से। यहाँ पर हमने लिखा मे पहला युवा, फिर आप लिख लीजिए ह में हा, फिर लिखो माँ और न, तो यहाँ वहाँ माँ और न, क्या बना शब्द मह मा न, मेहमान हुआ शब्द। अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं र फ ल द द ल, अभी क्या हो सकता है फर फर हो सकता है नहीं, फ द फदा हो सकता है नहीं, फ ल फल हो सकता है हाँ, तो शुरू करते हैं फ ल फल से। पहला शब्द हम लिख देते हैं फल, अब फल क्या बचा दा और रा, तो यहाँ पर अगर हम दा और रा को एक साथ लिखते तो क्या बन जाएगा फलदार शब्द बना, फलदार इनका अर्थ है इसलिए ये शब्द है। अब बढ़ते हैं ना की लो, तो हम खीना लिख सकते हैं की और ना खीना नहीं, लो ना लिख सकते लोना हाँ हो सकता है लोना, तो पहले क्या लिख जाएगा खी, तो शुरू करो यहाँ से खी से, आपने लिखा खी पहले। दूसरा क्या देखते हैं की ना लो या की लो ना, की लो ना, तो यहाँ पर हम शब्द लिखते थे लो फिर लिखते ना, तो हमें क्या मिला शब्द खिलौना। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ शब्द दिए थे जो कि वर्ण रूप में थे, हमने उनको अलग आगे पीछे कर दिया, उनके क्रम को बिगाड़ दिया था, आपने उन्हें सही क्रम में जगह कर शब्द बना दिए। तो इस प्रकार से आपसे शब्दों के अभ्यास पूछे जाएंगे और वे शब्द कौन से हो सकते हैं जो आपकी ही पाठ्य पुस्तक में जो अभी तक आपने पाठ पढ़े हुए हैं उनसे संबंधित होंगे, इसलिए आपको अभी तक जो भी पाठ पढ़ाए गए हैं उनके लेसन्स का चैप्टर का रीड अच्छे से करना है, वाचन करना है, क्योंकि शब्द आपसे उनके अंदर से ही पूछे जाएंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, रीडिंग अच्छे से कीजिए, रोज़ रीडिंग कीजिए एटलीस्ट वन पेज, और कोशिश कीजिए कि हाफ पेज राइटिंग भी कीजिए, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे, लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।